आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग इसके पहले तक सारे क्वेश्चंस को कर लिए थे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बच्चा, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चंस बहुत कम दिया हुआ है। और ये जो कुछ चैप्टर्स है ना, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस और यूक्लिड ज्योमेट्री, इनसे क्वेश्चंस काफी बनता है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है ये चैप्टर्स, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो अगर पिछला क्लास तुम लोग नहीं देखी हो तो यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, देख लेना। ठीक है, लिंक भी शेयर कर दिया गया है ताकि कॉन्सेप्ट तुम लोगों का सब ठीक ठाक हो जाए। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो सेम कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग को दो ग्राफ बना लेना है, एक ये वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब जब बच्चा हम बनाएंगे वाई इक्वल्स टू एक्स, जब ये लाइन बनाएंगे ना, तो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को सिमेट्रिकली कट कर देता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वाई और एक्स का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली कट जा रहा है, ये हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स का लाइन। और फिर है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका जो लाइन होगा ना, ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को सिमेट्रिकली कट कर देगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर तुम लोगों को लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल। मान लो कि हम एक्स और वाई का सॉल्यूशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन का यहां पे बना रहे हैं सॉल्यूशन टेबल, और ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका सॉल्यूशन टेबल हम इधर बना देंगे। मान लो, है ना, यहाँ पे लिख दिए एक्स, यहाँ लिख दिए वाई। कम से कम तीन वैल्यूज को हम लोग जरूर लेते हैं इक्वेशंस को बनाने के लिए, क्योंकि तीन वैल्यू में ही हम श्योर हो जाते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारा सही है या नहीं। तो जब x इक्वल्स टू वाई वाला बनाएंगे, तो मान लो x का वैल्यू 0 ले लिए तो y का वैल्यू भी 0 मिल गया, क्योंकि x और y इक्वल है। अगर x का 1 ले लिए तो y का वैल्यू भी 1 मिल गया। अगर x का -1 ले लिए तो y का भी क्या मिल गया, -1। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करते हैं, देखो 0 0 ये पॉइंट हो गया, 1 1 ये वाला पॉइंट है, और -1 -1 ये वाला पॉइंट है। देखो गौर करो, है ना, -1 -1, 1 1 और 0 0, है ना, 1 2, ऐसा चलता है ना अपना, -1 -2, यहाँ भी 1 2, ऊपर में 3 है, नीचे में -1 -2 -3। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, हम लोग जानते हैं। बस इन्हीं तीन पॉइंट्स को, एक इसको और एक इसको, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो एक लाइन मिल गया y इक्वल्स टू x। उसके बाद फिर जो y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, जब इसको प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो मान लो x का 0 ले लिए तो y का भी 0 मिल जा रहा है ना, क्योंकि माइनस ऑफ 0 0 ही होता है। इस बार x का 1 ले लिए तो y का -1 मिल जाएगा बच्चा, क्योंकि देखो y और x एक दूसरे का नेगेटिव है, तो x के जगह पे 1 बैठा देंगे तो y हो जाएगा -1। ऐसा ही अगर x का वैल्यू हम ले लिए -1 तो y का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो ऐसे इनको भी पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, तो इसको पॉइंट हम प्लॉट कर दे रहे, मान लो दूसरे कलर से, मान लो इस कलर से प्लॉट कर रहे हैं, तो 0 0 यहाँ पे मिल रहा है, ओरिजिन यहाँ पे भी मिल रहा है। फिर है 1 -1, यानी x में 1 और y में -1, ये पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, और फिर -1 और 1 ये पॉइंट मिल रहा है। तो जब इसको ज्वाइन किए तो ये हो गया इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स का लाइन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या क्या ऑब्जर्व किए हम लोग। सबसे पहला चीज ऑब्जर्व किए कि दे मीट एट द ओरिजिन। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, दे मीट एट ओरिजिन। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है दे बाइसेक्ट द क्वाड्रेंट्स। ये जो है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, क्योंकि इसके बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है। और ये जो लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, है ना, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। और क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन जो है ना, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है। गौर करो, ये दोनों जो लाइन ड्रॉ की, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। फिलहाल इतना ऑब्जर्वेशन हम लोग किए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हूज ऑर्डिनेट इज 1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट एब्सिसा का वन होल 1/2 टाइम्स है। बच्चों अगर हम लोग एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स समझ लें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, इसका वन होल 1/2 टाइम्स यानी वन होल 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब कि 3x/2 यानी वाई का वैल्यू मिल गया 3x/2 और एक्स का वैल्यू तो एक्स है ही, बस अब यहां पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+5 टाइम्स ऑफ वाई के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं बच्चों 3x/2 = 19। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x+15x/2 = 19। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4x+15x/2 = 19। तो आ गया 19 = 19x/2 और 19 से 19 कैंसिल हो गया, x आ गया 2 बच्चों, तो y कितना हो गया 3/2 ऑफ x और x का वैल्यू खुद 2 है, ये कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू मिल गया 3। आया समझ में, इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट क्या हो गया x और y, तो x कितना था, x था 2 और y था 3। क्लियर, समझ में, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो इट। एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो मान लो ये वाई एक्सिस हो गया है ना, और ये हो गया एक्स एक्सिस, अब इसके नीचे होना चाहिए 3 यूनिट्स में, तो नीचे होगा 3 यूनिट्स में, तो ये लाइन हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन। आया बात समझ में, बन गया सिंपल है, 3 यूनिट्स मतलब कि यहां पे 1 है, यहां 2 है, तो नीचे होगा 3, जहां पे 3 है वहां से क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट मतलब ये लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हूज सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट हैविंग सम ऑफ कोऑर्डिनेट एज 10। सम ऑफ कोऑर्डिनेट 10 होना चाहिए। अच्छा जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसको लिखते हैं हम लोग x, y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट 10 होना चाहिए, इसके हिसाब से x+y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा है ना, तो x+y = 10 हो गया बच्चा। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखना ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल में कम से कम 3 सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, उसके बाद उन्हीं तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइन ज्वाइन कर देते हैं। तो एक बार हम इसका सॉल्यूशन टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं तुरंत, तुम्हें लोग बताना कि क्या क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे अगर x के जगह पे हम लोग 5 बैठा दें तो y के जगह 5 हो जाएगा, x के जगह पे 6 बैठा दें तो y का 4 हो जाएगा, और अगर x का 4 बैठा दें तो y का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट्स मिल गया 5, 5, 6, 4, 4, 6, इन सभी को हम लोग प्लॉट कर देंगे और लाइन ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा ना ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन नंबर 4 का। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। ठीक है, इसका ऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा होना चाहिए, ऐसा हमको ग्राफ का इक्वेशन लिखना है। तो साफ साफ कह दिया है ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, वाई इज 3 टाइम्स एब्सिसा, एब्सिसा होता है एक्स, तो वाई इक्वल्स टू 3x, इक्वेशन मिल गया, खत्म हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, क्वेश्चन में ना बच्चा एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इस लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो इस लाइन को फॉलो करना चाहिए, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर हमको ए का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, एक्स का वैल्यू जो 3 है उसको यहां बैठा देंगे और वाई का वैल्यू जो 4 है उसको यहां बैठा देंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे,
हम लोग लिख देंगे 3y, सॉरी y के जगह पे कितना लिखेंगे 4 इक्वल्स टू ए एक्स ए इंटू थ्री, मतलब कि 3a प्लस 7, तो 3 4 हो गया 12, माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, तो 12 माइनस 7 हो जाता है 5 इक्वल्स टू 3a, तो a कितना हो गया 5/5। आ गया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर देयर ऑन द नंबर लाइन। एक इक्वेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y है ही नहीं, ठीक है। इक्वेशन है 2x plus 1 equals to x minus 3, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे नंबर लाइन पे? अब देखो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्या ये इक्वेशन ऐसा है कि 2x plus 1 equals to x minus 3? इस x को ना हम लेफ्ट हैंड की ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x minus x equals to minus 3 minus 1, तो x equals to minus 4, यानी x equals to minus 4 क्या हो गया बच्चों? एक इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसका इक्वेशन का ग्राफ बन सकता है। x equals to minus 4 का जो ग्राफ बनेगा वो शायद ऐसा बनेगा, देखो तो ये minus 4 अगर है, ये minus 3 है, minus 2 है, minus 1 है, तो x equals to minus 4 का ग्राफ ये रहा, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर देयर ऑन द नंबर लाइन। अब बताओ बच्चा नंबर लाइन में इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो नंबर लाइन तो ये है, तो उसमें एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ वन होगा। लेकिन अगर कार्टेशियन प्लेन का बात कर दें तो ये पूरा प्लेन कंप्लीट का बात किया जा रहा है, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? बहुत मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तुम लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा है? yes, yes. चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 व्हिच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चा जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, है ना, यानी y को अगर 0 बैठा दें तो हो जाएगा 2y, मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8, 0। और अगर y एक्सिस में बात करें तो y एक्सिस के लिए जो पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, मतलब ये टर्म हो जाएगा 0, और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा 0.4। क्योंकि 2y equals to 8 था ना, तो कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। कौन से वैल्यू के लिए, c के कौन से वैल्यू के लिए x और y इक्वल है, c के कौन से वैल्यू के लिए x और y इक्वल है? तो ध्यान दो, अगर x और y इक्वल है तो y के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, या फिर x के बदले में क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो y के जगह पे हम ना x लिख दे रहे हैं, और फिर देखो सॉल्यूशन कितना आसानी से बन जाएगा इसका, देखना ये हो जाएगा 2x plus cx equal to 8, cx क्यों लिखे, y के बदले में x लिख दिए, ठीक, आया समझ में? अच्छा उसके बाद यहां से c कितना मिल जा रहा है, यहां से c क्या हो जा रहा है, c हो जा रहा है 8 माइनस 2x बाई x, मिल जा रहा है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। तो c का वैल्यू क्या मिल गया, 8 माइनस 2x बाई x, अच्छा, और y के लिए भी वही मिल जाता 8 माइनस 2y बाई
वाई, है ना, आया समझ में? Yes. चलो yes, फिर नंबर 10 है, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, इफ y इक्वल्स टू 12 व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन राइट अ लीनियर इक्वेशन. तो अगर कह दिया y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इफ y इज 12 व्हेन x इक्वल्स टू 4. जब भी ऐसा होता है बच्चा तो मतलब क्या हो जाता है, y by x equals to constant होता है ना, कोई हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्लास 8 में पढ़े, ठीक है. अच्छा y है 12, x है 4, यानी y का वैल्यू 12 है, x का वैल्यू 4 है, तो k कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए. yes, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू 3x. सही है, है ना, क्योंकि x x उधर चला गया, तो y इक्वल्स टू kx हुआ ना इक्वेशन, और k का वैल्यू 3 था, तो मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x. फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 5, व्हेन x इज 5 तब y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू तो 3x था, तो कितना हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए. आगे समझ में? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. तो इसका ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे. सॉल्यूशन टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग उसी सॉल्यूशन टेबल में जो पॉइंट्स मिलेगा उसको प्लॉट करते जाएंगे, है ना. तो एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है किस पॉइंट पे कट करेगा. ध्यान रखना, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो. तो वाई को जीरो ले लेंगे तो एक्स पे क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 6, 0 हो जाएगा इसका आंसर. और फिर y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो जब y एक्सिस में कट होता है तो x कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो. तो उस सिचुएशन में ये टर्म जीरो हो गया, तो बन जाएगा 3y = 12, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4. 0.4 आ रहा है समझ में? यस सर. ठीक, देखो सॉल्यूशन टेबल यहां पे एक बना क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन. x और y का ये वैल्यूज को कह रहा है कि कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एज गिवन इन द अबव टेबल. तो इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. देखो ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ग्राफ, एग्जांपल था, है ना. फिर एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस और कट्स द वाई एक्सिस. तो इसके लिए हम लोग को ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्स को कहां पे कट कर रहा है, वाई को कहां पे कट कर रहा है. तो x को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये है हाफ हाफ, है ना, कॉमा जीरो. और y पे जहां पे कट कर रहा है ये जो पॉइंट है ये है 0, -1. तो इसको हम लोग ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा. समझ में आ गया इस वाले सॉल्यूशन टेबल को हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग को मिल जाएगा x में कहां पे कट कर रहा है, y पे कहां कट कर रहा है. फिर क्वेश्चन कह रहा है द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज्ड फॉर ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एट द रेट ₹4 किलोमीटर पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड. देखो क्वेश्चन कह रहा है एक शहर में ऑटो रिक्शा का चार्ज ऐसा है कि ₹10 लगता है पहले किलोमीटर का, उसके बाद जितने किलोमीटर बच गए उनका लगता है ₹4 प्रति किलोमीटर. ठीक है, समझना. तो मान लो कि अगर हम 2 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं तो पहला किलोमीटर का हमको कितना देना पड़ेगा, ₹10 देना पड़ेगा. फर्स्ट किलोमीटर का ₹10 देना पड़ेगा और बच गया कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उसका ₹4 देना पड़ेगा. टोटल देना पड़ेगा ₹14. अगर मान लो कि हम 6 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो पहले किलोमीटर का ₹10 देना होगा और बच गए 5 किलोमीटर, उनका ₹4 पर किलोमीटर के हिसाब से, ₹4 प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर का ₹20 देना होगा. तो कितना देना होगा, 30. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
यस सर। तो कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन को लिखिए। देखो कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है लिखना। अगर हम ऐसा समझ लें कि अगर हम चार्जेस को, टोटल चार्जेस को वाई मान लें और टोटल डिस्टेंस को, अगर हम टोटल डिस्टेंस को एक्स किलोमीटर मान लें, टोटल चार्जेस को वाई रुपीज मान लें, ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होगा वाई रुपीज वो किसके इक्वल हो जाएगा? पहला किलोमीटर का 10 रुपया वो तो लगेगा ही लगेगा, और अब कितना किलोमीटर बच गया, टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, तो अब कितना किलोमीटर बच गया, x माइनस 1, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 10 रुपीज कैलकुलेट हो ही गया, ऐड हो ही गया, तो अब डिस्टेंस रह गया x माइनस 1 किलोमीटर, जिसका 4 रुपीज करके रेट लग जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 प्लस 10, यानी y इक्वल्स टू 4x प्लस 6। ये क्या बन गया इक्वेशन, यहाँ पे y क्या बता रहा है, टोटल चार्जेस को, और x क्या बता रहा है, टोटल डिस्टेंस को, ठीक है। फिर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल बना सकते हैं, और सॉल्यूशन टेबल बनाने के बाद ग्राफ को प्लॉट कर देंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्प्ले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट ऑफ फोर्स एज 3 यूनिट्स। यहां पे फोर्स को कितना लेना है, 3 यूनिट्स लेना है। राइट द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। फिर हमको निकालना है कि वर्क डन जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स होगा, वेरीफाई करो प्लॉट करते हुए ग्राफ को। तो अगर वर्क डन को हम एक्स मान लें, वर्क डन को एक्स मान लें, और डिस्टेंस को अगर हम लोग वाई कैलकुलेट करें, मतलब वाई मान लें, और क्वेश्चन में कह दिया है फोर्स होना चाहिए 3 यूनिट्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 3y, एक इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं, एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे, तीन सॉल्यूशन ले लेंगे, उसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद फिर कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। बच्चा जब डिस्टेंस यानी कि वाई जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई लिए थे ना हम लोग, हाँ, जब ये 2 यूनिट्स है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2, ये 3 न्यूटन था और 2 यूनिट्स था, तो वर्क डन कितना यूनिट्स हो गया, वर्क डन हो गया 6 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फोर्स जो है ना वो 3 यूनिट्स कह रहा है, 3 न्यूटन नहीं कह रहा है, यहाँ पे न्यूटन कह दिया तुम लोगों को, यहाँ पे न्यूटन नहीं है, ये यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा 6 यूनिट्स। इसके बाद वेरीफाई करो प्लॉट करते हो ग्राफ को, सिंपल है वेरीफाई करने के लिए, मतलब कि हमको ये बस देखना है कि जब वाई का वैल्यू 2 हो तो वर्क डन का वैल्यू 6 मिले, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या मिल जाए, 6। तो देखो ये जो लाइन है 2,6 से गुजर रहा है, कहने का मतलब ये है वर्क, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, वर्क डन है ना, 2,6 से गुजर रहा है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4, ये आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर का। शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाई एक्स वाई इक्वल्स टू इतना। अब देखो हमको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो सीधा सीधा हम तीनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको एक एक करके बैठाते जाएंगे और ये सेटिस्फाई होते जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू 1 यहां बैठा देंगे, है ना, और वाई का वैल्यू 2 यहां बैठा देंगे, और फिर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। एक हम वेरीफाई करते रहे, बाकी तुम लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो आराम से, बहुत ईजी है। वाई का वैल्यू कितना है, 2, एक्स का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 7। देखो y इक्वल्स टू 9x माइनस 7, 9 1 9 माइनस 7 कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ भी कितना था, 2 था, हो गया ना वेरीफाइड। यस सर, सिंपल है वेरीफाई, तो इसको भी तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
The following observed values of x and y are thought to satisfy a linear equation. Write the linear equation. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दो वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रहा है. क्या सेटिस्फाई कर रहा है जी? x और y का क्या रिश्ता यहां पर है? एक हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है. लीनियर इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, ऐसा जब क्वेश्चन देता है ना तो इसका लीनियर इक्वेशन लिखने का एक्चुअली जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो उसको कहते हैं हम लोग टू पॉइंट फॉर्म कहते हैं, और ये 11th क्लास में पढ़ना है. ठीक है, जब ऐसा दे दिया जाए. लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम जो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे ना वो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे. ठीक है, आया समझ में? एक तरीका तुम लोग को हम बता देते हैं कि कैसे ऐसे इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग को ग्राफ बनाना है, मतलब इक्वेशन कैसे लिखना है. बहुत सिंपल सा तरीका है. इसमें इसको माइनस करो और इसमें इसको माइनस करो. ठीक है, और डिवाइड करके लिख देना, मतलब 6 माइनस एक्स बाई माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू इसमें इसको माइनस कर दो, फिर इसमें इसको माइनस कर दो. हम लिख के यहाँ पे दिखा दे रहे, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखना. यहाँ पे क्या बताएं, 6 में x को माइनस किए और माइनस 2 में y को माइनस किए और इक्वल्स टू लिख दिए हैं माइनस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस माइनस 2. ये जो लिखा है ना ये हो गया 6 माइनस एक्स बाई माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 8. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा इक्वेशन होगा. अच्छा देखो, ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, आर एस अग्रवाल में नहीं है, आर डी शर्मा में भी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन. तो इस मेथड से बना सकते हैं ना? हाँ, एकदम एकदम इसी मेथड से बना सकते हैं. तो बस इसको तुम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है. सिंप्लीफाई करने का मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको इस फॉर्मेट में ले आना. कौन सा फॉर्मेट में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना. हो जाएगा हमारा आंसर. ओके सर. फिर क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस एंड कट द वाई एक्सिस. तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हमको पता चल जाएगा कहां कहां पे कट कर रहा है एक्स पे और कहां कट कर रहा है वाई पे. फिर क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. तो इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना होगा. तो सॉल्यूशन टेबल बना करके हम लोग पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, फिर देख लेंगे एक्स को कहां पे कट कर रहा है, वाई को कहां पे कट कर रहा है. हालांकि इसको डायरेक्टली निकालने का भी तरीका तुम लोग को सिखा चुके हैं कई बार. जो ग्राफ एक्स एक्सिस में कट करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है. तो वाई को अगर जीरो ले ले हम लोग तो एक्स हो जाएगा 2, क्योंकि 3x इक्वल्स टू 6 बचेगा. ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो ये हो जाएगा 2, 0. ठीक है, और अगर y एक्सिस में कट कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो लेंगे, यानी इस बार इसको जीरो ले लेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/4, मतलब कि 3/2. तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3/2. आया समझ में? यस सर. चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है The linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is given by the relation. एक relation दिया हुआ है जो Celsius को Fahrenheit में convert करने का रिश्ता बताता है. मतलब C के जगह Celsius वाला temperature लिखते हैं और F के जगह पे Fahrenheit वाला temperature को लिखते हैं. तो if the temperature is 86 degree Fahrenheit, temperature 86 degree Fahrenheit है, मतलब F के जगह पे हम लोग ये values को put कर देंगे, तो C निकल जाएगा. है ना, तो C निकल जाएगा हम लोग का. इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर हम लोग सी के जगह पे 35 पुट कर देंगे तो उससे एफ निकल जाएगा. है ना. इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट. अगर फिर देखो 35 डिग्री मतलब कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर उसको अगर हम लोग यहां पुट कर दिए तो फिर फारेनहाइट निकल जाएगा. और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट है, यानी कि इस बार इसको हम लोग फिर पुट कर देंगे 0 यहां पे फारेनहाइट में, तो फिर क्या मिल जाएगा उससे? सेल्सियस मिल जाएगा हम लोग को. यस सर. आई बात समझ में? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारा. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर व्हिच इज सेम इन बोथ द स्केल. ये अच्छा क्वेश्चन. कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फारेनहाइट और सेल्सियस सेम होता है,
ये एक्चुअली तुम लोगों को ना केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, शायद चैप्टर टू में पढ़ना है या चैप्टर वन में, सॉरी चैप्टर वन में पढ़ना है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो कौन से टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम होगा? तो मान लो कि दोनों का वैल्यू सेम होता है एक्स पे, मान लो कि वो एक्स पे है, तो सी का वैल्यू भी एक्स होना चाहिए और एफ का वैल्यू भी एक्स होना चाहिए। तो हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं सी और एफ को एक्स से, रिप्लेसिंग सी एंड एफ विथ एक्स। वी गेट एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160। तो फिर इस 5x को उधर ले आओ, 5x को लेफ्ट हैंड की ओर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस 160, तो x हो जाएगा माइनस 40, माइनस 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि -40 डिग्री सेल्सियस का जितना टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर होता है -डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है, ये फैक्ट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल मैच। तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है, यही फायदा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बनाने का बच्चा। इस एग्जाम्पलर को बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, हमको ठीक ठीक समझ में आता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका एक्चुअल में यूज कहाँ करना है हम लोग को। ये दूसरे टेक्स्ट बुक में बहुत कम रहता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये भर भर के दिया रहता है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े उसका यूज एक्चुअली रियल लाइफ में कहाँ करना होता है। जैसे यहां पर तुम लोग को दिखा ना कि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं जानते तो फिर ये वाला न्यूमेरिकल साइंस में हमसे नहीं बन पाता है ना। यस सर, फिर देखो यस सर, एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे इस बार केल्विन फ़ारेनहाइट का रिश्ता बता रहा है। देखो दो अलग टेम्परेचर स्केल का बात है। अच्छा, पिछला एक और क्वेश्चन हम देखे थे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ पे भी देखे थे। देखो वहां पे फिजिक्स में समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन पढ़ना फिजिक्स के लिए भी जरूरी है। लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में भी दिख रहा है, केमिस्ट्री में भी दिख रहा है ना, और भी जगहों में है, कुछ कुछ समझाने के लिए कि यहां पे दिया रहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एंड इन केल्विन यूनिट्स एंड एक्स डिग्री केल्विन और इन फ़ारेनहाइट एज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी केल्विन का टेम्परेचर एक्स ले रहे हैं और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को वाई ले रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन, इतना एक इक्वेशन दे दिया है 9/5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 273 प्लस 32 जो भी है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। अगर केल्विन में 313 है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 313, तो हमको वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें हम लोग या कर लोगे तुम लोग खुद से? हो जाएगा। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 158 है, मतलब y का वैल्यू है 158, तो फिर हम लोग को टेम्परेचर निकालना है केल्विन में उस वक्त, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। आ गया ना फिजिक्स में चैप्टर टू का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, क्या लिखा हुआ है? फोर्स एक्सर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ए प्रोड्यूस्ड बाय इन द बॉडी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय मेकिंग द कॉन्स्टेंट मास इक्वल टू 6 kg। ठीक है, तो अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट लगेगा, m इनटू a। m क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है जो कि मास कहलाता है ऑब्जेक्ट का, और इसका वैल्यू कितना है 6 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू 6 a, क्या बन गया हमारा इक्वेशन, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 m/s2। जब एक्सेलरेशन 5 m/s2 रहेगा तो फिर फोर्स कितना चाहिए होगा, तो इसको बनाते हैं हम लोग।
फोर्स हो जाएगा 6 × 5 बोले तो 30 न्यूटन, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब एक्सेलरेशन 6 m/s² रहेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बहुत ही अच्छा 6 kg × 6 m/s² जो कि हो जाएगा 36 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट शायद कुछ नहीं है, खत्म हो गया। यस सर, खत्म हो गया।